फाइनली बैठ गए हैं ज़हीर अब्बास साहब. हमें इस वक्त का इंतजार कर रही थी कि कब हम जाएंगे कहीं सुकून से बैठेंगे और वहाँ जाके बातें शुरू होंगी. बट आई रियली एंजॉयड द गोल्फ वॉक विद यू. आपके दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं और दोस्ती जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है ज़िंदगी में. तो सबसे पहले तो आप हमें मिलवाएं अपने दोस्तों से. शाही साहब हैं जी, ये हमारे साथ हर रोज़ गोल्फ खेलते हैं. वसीम साहब हैं, वसीम भी हमारे साथ हर रोज़ गोल्फ खेलते हैं जब भी पाकिस्तान में होते हैं. और उनके बाद जनाब हमारे नजीब साहब हैं, नजीब साहब भी बहुत अच्छे गोल्फर हैं और वी ऑल एंजॉय प्लेइंग गोल्फ टुगेदर. वाओ, तो ये कैसे मतलब आप लोगों की कब से दोस्ती है, कितने सालों से? काफ़ी अरसे से दोस्ती है. बालों का तो ये होता है कई कई महीने, कभी ये टूर पे गए होते, कभी आप टूर पे गए होते, कभी नजीब साहब टूर पे गए होते, लेकिन इंतज़ार रहता है कि कब वापस आएंगे ताकि दोबारा से फोरसम शुरू हो जाए. लिहाजा हम बड़ी मुश्किलों से इकट्ठे हुए हैं दोबारा. और अभी कितने टाइम बाद इकट्ठे हुए हैं? अब अभी तो कोई दो महीने के करीब, एक महीने से खेल रहे हैं आप लोग. अच्छा, हम जब दोस्त बनाते हैं तो हर किसी के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, है ना? ये इंटरेस्ट कैसे मैच करते हैं? या फिर कोई एक कड़ी होती है जो जोड़ के रखती है? सबसे बड़ी बात ये होती है कि सबको एक ही गेम का शौक है, वो है गोल्फ. हाँ. बाकी तो आपको मेरे दोस्त बताएंगे कि अब अगर शौक है तो ये यहाँ आते हैं, वरना इनको यहाँ आने की जरूरत नहीं, और भी बहुत से काम है इनको करने. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. तो ज़हीर अब्बास के बारे में हमें थोड़ा बताइए कि किस तरह के दोस्त हैं. ज़हीर अब्बास बड़े मुखलिस इंसान हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे किस्म के गोल्फ प्लेयर हैं. क्रिकेट में तो आपको पता ही है, उन्होंने अपना लोहा मनवाया दुनिया भर में, और मुलाकात भी उनसे मेरी इनसे काफ़ी अरसे से है, ज़माने से है. लेकिन जब से गोल्फ शुरू की है, इज अ वंडरफुल गोल्फर. वेरी गुड. हाँ, मैं और ज़हीर साहब जो हैं अक्सर बैटिंग करते हैं, ये ज़्यादातर जीतते हैं मुझसे. अच्छा. हाँ, दो स्ट्रोक मैं इनसे लेता हूँ, फिर भी आज मुझे हरा दिया. कल मैंने इन्हें हराया था, आज इन्होंने मुझे 4 स्ट्रोक से हरा दिया. हम ये कहते हैं ना बराबर बराबर, ताकि घर पे जाके अपने घर वालों को कहें कि आज हमने ज़हीर को हरा, आज मैं कहूँगा कि आज मैंने शाहिद को हराया. बड़ी प्राइड होती है, इट्स अ ग्रेट प्राइड फॉर मी जिस दिन मैं ज़हीर को हरा हूँ. हाँ, सही बात है. मैंने 4 स्ट्रोक से आज इन्होंने बराबर कर दिया. तो क्या ये ऐसे इंसान है कि जो करते हैं पूरे दिल से करते हैं, मना नहीं करते? देखें, ऐसा है कि गोल्फ एक ऐसी गेम है, कहते हैं कि अगर किसी आदमी का करेक्टर देखना हो, अच्छा, तो जब वो गोल्फ खेल रहा हो तो फिर आप देख लें. तो फिर तो सारी लड़कियां जो है ना गोल्फ खिलाना शुरू कर दें अपने शौहरों को या फिर होने वाले शौहरों को, ताकि उनको पता चल जाए क्या कैरेक्टर है ना. दूसरी बात जो है वो ये है कि ज़हीर एक बहुत लीजेंड क्रिकेटर, और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि इस समर में जब वर्ल्ड कप हो रहा था इंग्लैंड में, तो मैं ज़हीर के साथ 2 दफ़ा वहाँ पर गया. और सुनील गावस्कर जो इंडिया का बहुत बड़ा प्लेयर है, उससे लेके और वहाँ चलना मुश्किल हो जाता था कि हर आदमी इनके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहता था. और बाज़ औक़ात तो मैं इरीटेट हो जाता था क्योंकि ये ठहर जाते थे. और ये इतने इनमें खलूस है कि ये किसी को ना नहीं करते थे. और लोग कोई सेल्फी ले रहा है इनकी, कोई जो है इनके साथ इंटरव्यू, ये वहाँ पे लंदन में हो रहा है इनका जो है. और इट इज़ रियली प्राउड टू प्ले एंड हैविंग एसोसिएशन विद ज़हीर अब्बास. और ये गोल्फ भी बहुत अच्छा खेलते हैं. लेकिन ये तो हो गई गोल्फ की और क्रिकेट की और फैन फॉलोइंग की और सेल्फीज की बात ना, मगर ये असल में जो बैक एंड की जिंदगी है, जब पब्लिक नहीं देख रही तो कैसे हैं? क्या मजाक मस्ती ज़्यादा करते हैं या फिर थोड़े कम गो हैं या फिर लाइफ ऑफ द पार्टी हैं? देखें, ही इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस. बैलेंस्ड, ये इज वेरी बैलेंस्ड मैन. इनमें सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. और ये आप अगर इनके साथ हैं तो आप बोर नहीं होंगे. अच्छा. ये ही विल कीप यू अलाइव. जब वो टाइम होता है ना, जवानी का टाइम होता है, दोस्तियाँ होती हैं, सब होता है, तो वो होता भी है ना कि आप पर्क्स भी लेते हैं ना अपने दोस्तों से, अगर वो किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पर जी फॉलोइंग भी है और ताल्लुकात भी हैं. तो वो कभी हुआ कि ज़हीर यार मेरा ये काम करवा दे, यार यार ज़हीर यार वो उससे बात करवा दे यार? नहीं, हमने गोल्फ कोर्स पे देखा है. हाँ. कि इनके एक दोस्त जो PIA में कैप्टन थे, उनको कोई इश्यूज थे लसबेला में जमीन का. अच्छा. एंड ज़हीर मेड सो मच एफर्ट टू गेट हिज वर्क डन, और इन्होंने चीफ मिनिस्टर उस सूबे से बात की
और उसने डिप्टी कमिश्नर को कहा और उसने इनको कॉल किया और वो उसका काम हो गया। तो सबसे ज्यादा टांग कौन खींचता है एक दूसरे की? टांग तो ज़हीर ही खींचते हैं हमारी। He being a celebrity and being a privileged person, he always gets the leeway. नहीं जी, मैं आपको बताऊं, ये सारे मेरे दोस्त हैं, हम ये कहते हैं कि शाम के 2-3 घंटे अगर प्यार और मोहब्बत में और एक दूसरे से मिलने से गुजर जाए तो बहुत ही अच्छा है। और फिर ये कि हम नेक्स्ट डे उसको बातें भी करते हैं, सोचते भी हैं, और हमारे सारे के सारे जो दोस्त हैं वो सीरियस गोल्फर हैं। ये सोचते हैं कि हम सिर्फ धूप में आके रंग काला ना करें बल्कि सीरियस गेम खेली जाए ताकि गेम का मज़ा भी आए और सब इंजॉय भी करें। कभी वेकेशन पे गए आप लोग साथ में? हम लोग तो गए हैं लंदन, इनको बड़ा घसीटा है, शाही साहब अमेरिका ज्यादा रहते हैं। हाँ। तो अब हम सोच रहे हैं कि इकट्ठे कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ के गोल्फ खेली जाए इकट्ठे, कहीं बैंकॉक खेल, वेकेशन पे भी गोल्फ खेलिए। तो अक्सर बनाते रहते हैं ना दोस्तों के साथ। शॉपिंग का कितना शौक है ज़हीर को? मेरा ख्याल नहीं है, नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब हम लंदन में थे और तकरीबन 4-6 हफ्ते साथ थे। हाँ। और सुबह भी, बल्कि यहाँ तक के ये मुझे सुबह फ़ोन करके कहते थे कि तुम ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। अच्छा। और फिर हम जो है वो निकलते थे, तो मैंने देखा ये है कि ही इज़ वेरी सिलेक्टिव इन पिकिंग द थिंग्स, और अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो फिर जो है ये लेते हैं, अदरवाइज ये नहीं कि जो है ये भी उठा रहे हैं वो भी उठा रहे हैं और ऐसा भी। शाह खर्च है या कंजूस है? मेरा ख्याल है मॉडरेट हैं, ना जो है वो कंजूस आप कहें इनको, ना आप इनको कहें शाह खर्च है। अभी टीम में वैसे फेवरेट क्रिकेटर कौन है? बाबर आजम माई फेवरेट है और मैं उससे बातें भी करता रहता हूँ। मैं बाबर से यही कहता हूँ, बाबर बात यह है कि अगर कंसिस्टेंट हो तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, अगर कंसिस्टेंट नहीं हो तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे। लिहाजा ये तुम्हारे हाथ में है, उसको गेम को जो है वो कहाँ तक लेके जाते हो ये तुम पे। अच्छा, आपने कहा जब इंडिया से मैच हारते हैं तो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो आप कभी ऐसा फेज गुजरा ज़िंदगी में कि जब बहुत ही हो गई कि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर दिया, कभी दुख हुआ आपको किसी के अपने बारे में कुछ पढ़ के या किसी ने कुछ कह दिया? नहीं, हमारे यहाँ तो आपको ये पता ही है कि क्रिटिसाइज़ तो लोग उठते बैठते ही कर देते। कैसे आप हैंडल करते थे क्रिटिसिज्म को? नहीं नहीं, हैंडल क्या, स्कोर करोगे तो खुद ब खुद लोग खामोश हो जाएंगे। कभी इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं हो इंसान है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी। He is very cool person. कोई ऐसा किस्सा कि आप लोगों को कभी बताया हो कि यार देखो जरा क्या मतलब? नहीं नहीं, he is very cool and composed person. और थोड़ा सा ये हर्ट हुए कि जबकि जो है वो हमारी टीम के लोगों का इंडिया से हारने के बाद वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर जो है वो पोस्टर्स बनाए गए और लोगों ने वहाँ पर एक दो प्लेयर्स जो शॉपिंग सेंटर में थे उनको आकर पीछे से जो है बुरा भला भी कहा, तो उस पर ये थोड़ा सा जो है इनको अच्छा नहीं लगा। हाँ, एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए लोगों के। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने भी टाइम निकाला और यहाँ पर आए, दोस्तों को इकट्ठा करना आजकल के ज़माने में बड़ा मुश्किल काम है वैसे, है ना। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।